A big shout out to all my peoples gathering today. I know what you come here for, and you won't leave back home unsatisfied, I guarantee you that. I know how y'all feeling right now. Y'all feeling good, I know. You gotta sit back and relax and chill. We are gonna come out fresh, can't touch me talking about it. Think you feel it's getting faster, say talking. Everybody knows this, we gonna go to the top. Them all haters back off, sing with me, shout with me, talking. We are gonna come out fresh, can't touch me talking. Think you feel it's getting faster, say talking. Everybody knows this, we gonna go to the top. Them all haters back off, sing with me, shout with me, talking. हाय, इस पार्क में जॉग करना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ रोज नए लोग मिलते हैं और पहचान बढ़ती है। हाय नंदिनी। हाय नाथसो, हाउ आर यू? गुड, एंजॉय द वेदर। ओके सर, बाय। इस लड़की का असली नाम है आंडियाल पेरियाल समथिंग समथिंग। जब ये इस कॉलेज में आई थी तब जिद करके इसने अपना नाम बदला नंदिनी, और ये कॉलेज में नंदिनी का सीनियर है, फिलहाल एग्रो कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर है। नंदिनी इसे प्यार करती है। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही साइलेंट लग रहा है ना, लेकिन एक समय में बहुत ही वॉयलेंट था। इसका नाम है महेश, बेचारा बचपन में ही अनाथ हो गया था। इसका कैरेक्टर किसी को समझ में नहीं आता क्योंकि ये लड़का बचपन से ही अकेले बड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा हटकर है। ये इसका बेस्ट फ्रेंड स्कद एक टाइम पर, चीची, पर अभी कट्टर दुश्मन है जिसकी वजह। हाय नाग, हाउ आर यू? हाय भक्ति, फाइन, हाउ आर यू? गुड, सी यू। नाम और पर्सनालिटी में कोई लेना देना नहीं, इसे खुशी मिलती है महेश के साथ बॉस गिरी करने में। जेसिका, हाय नाग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। ये लड़की स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडिया आई है, अपनी चंदना है ना उसके घर में रहती है। चंदना? नो नो, यू आर अ लाइंग मशीन। नो नो नो, चंदना ये तो यहाँ पर फ्लैग। हाय। हाय। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाय श्री, तुम लोग कल क्यों नहीं आए? इससे पूछिए, कल पूरा दिन वेट किया मैंने। सर एक्चुअली मेरे डैड को हाई फीवर था। ए, तुमने तो आंटी के बारे में कहा था। सर एक्चुअली दोनों को ही हाई फीवर था। ठीक है ठीक है, ये कहानी किसी और को सुनाना। एंजॉय। हाय सर, सच अ बिग लायर। दैट इज शी एंड चंदना। उस लड़की को तो झूठ बोलना पसंद नहीं, पर ये लड़का झूठ का पिटारा है। इनकी बेस्ट फ्रेंड है दक्षा, जो श्री के पड़ोस में रहती है। किसी भी तरह से श्री को लाइन में लाना और उसे पटाकर अपने वश में करना ही उसका मकसद है। एक दूसरे से शादी करके उन्हें अपना बनाना और जिंदगी में कुछ कर दिखाने की सोच रखते हैं, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाए ऐसा अक्सर नहीं होता। ये मुसीबतों का सामना मुस्कुरा के करेंगे, कॉन्फिडेंस हाई रखेंगे, पर इनकी जिंदगी तेरे साथियों को लेकर जा और अनुष्का के साथ बैठकर खाना खा और एंजॉय कर। माही माही प्लीज, अनुष्का तो तेरी दोस्त है ना, अगर तुम चले जाओगे तो। ऐसा यार करेक्ट है ना,
अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा चुपचाप करो, समझे? हाय हाय। ये यहाँ पर कब पहुंचा? स्वीटी, क्या ये अनुष्का का ही घर है? स्वीटी, शी इज सो ब्यूटीफुल। हाय गाइस। हाय। ये है श्री, ये है चंदना। हाय हाय। ये किशोर और ये नंदिनी। हेलो। महेश को तो तुम जानती हो ना? स्कर, दिस इज टू मच। महेश की वजह से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, महेश ने फेसबुक पर कम से कम 1000 रिक्वेस्ट भेजी होंगी। 1000 रिक्वेस्ट? वो बात ये है कि ये लोग दोनों आपस में बात किए हुए 5 साल हो चुके हैं। ऐसा क्यों? फ्रैंकली स्पीकिंग, महेश किसी लड़की से प्यार करता था और उसे प्रपोज करने वाला था। ये बात उसने स्कॉट को बताई और स्कॉट ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया। इसने जो लव लेटर लिखा था उसे लेकर पिंक टी शर्ट पहनकर साइकिल पर जाकर उसे प्रपोज किया था। तुमने ऐसा क्यों किया स्कॉट? आजकल कोई कभी भी ना प्यार में पड़ जाता है। जिस दिन इसने फरजाना के बारे में बताया था ना, उसी दिन से मुझे उससे प्यार हो गया। हाँ, और हंसो और हंसो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम लोग और हंसो। ये जो महारानी है चंदना, स्प्लिट पर्सनालिटी, ये खुद को ही ग्रीटिंग कार्ड देती है और गिफ्ट को पोस्ट भी खुद ही करती है, और इसे लगता है कि इसका एक सीक्रेट भी है, और यही बात 24 घंटे बड़बड़ाती रहती है। नहीं दीदी, ये क्यूब देखिए, ये पजल सॉल्व करेंगे तो उसका नाम पता चल जाएगा। लगता है बेचारी नाम भूल गई है। आप भी ट्राई करके देख लीजिए, इसका असली नाम है ओडियल पेरियल, और अगर इसका वजन करेंगे तो होगा 30 किलो। ये तीन मुझे अपने पीछे घुमाएगा। ये जो बकरी की तरह हंस रही है ना, इसे बकरियों के बीच में ही रहना चाहिए, ना कि इंसानों के बीच में। अरे बाप रे, पेट में कुछ गड़बड़ है। क्या मंगला, रोज रोज ग्लास तोड़ोगी तो कैसे चलेगा? पता नहीं मालकिन, ये लड्डू बाबू जब भी आते हैं ऐसा ही होता है। ओहो, इसकी असलियत तो तुम्हें पता ही नहीं है अनुष्का। ए प्लीज, ये जो पनौती है ना, ये ऐसा काम करता है। ए छोड़, हाथ मत लगा। खाना, पेट भर के खाना, जो चाहिए वो खाना और छोड़ देना। कमाल का टैलेंट है इसमें। स्मेल आती है पर साउंड नहीं आता। सिर्फ मैं ही ऐसा करता हूँ। ओह माय गॉड, तुम लोगों को देख रही हूँ तो मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स याद आ गए। कोई मनमुटाव नहीं, बहुत ही पक्की फ्रेंडशिप है तुम लोगों की। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, साथ रहते हो, खुद से ज्यादा अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस देते हो। अब तो तुम्हारे कॉलेज के सिर्फ 3 दिन बचे हैं ना, डोंट वेस्ट इवन ए सिंगल सेकेंड, एंजॉय। कितनी बार कहा था इसे मत लेकर आ, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। छे, सब मुझे ही सुनाते हैं। जनवरी एडिशन हो या फरवरी एडिशन हो, ये मुझे याद नहीं। पेज नंबर 105 में सर मैकोलियन नेपोलियन ने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा है कि एग्जाम के पहले आदमी को 43 ml का पैक पी लेना चाहिए, इसे याददाश्त बढ़ जाती है। बेवकूफ कहीं का, ये हम सब के लिए है यार। स्मॉल पैग, लार्ज पैग, इसने मास्टर प्लान बनाया है। एक ड्रॉप ज्यादा हुआ, लगता है भी ठीक है। ये लो। ए, वो लड़की है ना पोस्टर में, वो बिल्कुल जेसिका जैसी दिख रही है, देख। तेरी पैच पर। बात करना यार उससे, माना कि उसने गलती की है, 6 साल हो चुके हैं यार। अच्छा, तुझे बात नहीं करनी है तो जाकर उसे डांट ही दे। ए, महेश, मुझे और चंदना को देख, चाहे कितना भी झगड़ा करे, फिर से 2 दिन के बाद फ्रेंड्स बन जाते हैं। ए, फ्रेंडशिप में ऐसा सब होता रहता है यार। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है यार। उस दिन
बैंगलोर के ट्रिप में बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। महेश वो टॉपिक मत उठा। उस रात को याद है जो हुआ उसमें जितनी तुम्हारी गलती है उतनी गलती मेरी भी है। अगर किसी ने वो सुन लिया होता। प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। बोलने वाला कैसे बोलेगा भाई। महेश शायद भूल गया। महेश रात भर कुछ ढूंढ तो रहे थे पर याद नहीं क्या ढूंढ रहे थे ये लोग। महेश समझ में नहीं आता तुझे ये कैसी आवाजें हैं? लगता है फिर से कुछ फूटने वाला है। ये क्या? श्री अभी तक नहीं आया। मैं खूबसूरत सी लड़की हूँ। आएगा, आता ही होगा, आना ही चाहिए। बेटी, बेटी, बेटी। जी। अरे आएगा, आएगा, आएगा। क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? सुबह सुबह उठकर बर्तन घिसना, दो दिन में एक बार पोछा मारना, तीन दिन में एक बार कपड़ा धोना, नो अंडरगार्मेंट्स, ये सब अगर आपको मंजूर है तो आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। ओके ओके, कंडीशन मंजूर है तो काम शुरू कर दो। ठीक है साहब जी। कॉल क्यों नहीं उठा रहा? ये क्या भागने के लिए कोई लेट आता है क्या? हेलो हेलो क्या पापा क्या टॉर्चर कर रहे हो सुबह सुबह? कोई लड़की है बात कर। हेलो अरे बाप रे ट्रैफिक में फंस गया हूँ। ट्रैफिक मसाला इडली डोसा पूरी। क्या तुम सच में ट्रैफिक में हो या फिर रेलवे स्टेशन पर हो? सर लाइसेंस है सर लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स घर पे रख के आया हूँ मैं सर। एए, ऐसे बात करो सुनता हूँ। तू पहले बाइक पास खड़ा कर उसके बाद ऐसा ही श्री तुम किसी प्रॉब्लम में मत फंस जाना वरना हम दोनों को भागने में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेबी ठीक 5 मिनट में तुम्हारे पास रहूंगा ओके। ए, मेरा पास नहीं छूना। वो ले रहे हैं। देख 500 का नोट मत निकालना। निकाल लिए। ए, डैडी ने मना किया फिर भी उनके पर्स से पैसे निकाल लिए। बेशरम। बड़बोली। ए, जानो। Hey, Yamini, what's wrong with you? मुझे जाने दीजिए ना मेरा पति आ गया है। हेलो आंटी अरे एग्जाम का टाइम हो रहा है। हाय सुबह सुबह चढ़ा कर आए हो क्या? हे प्लूटो ओके ओके बाय। चंदू कहाँ है? कॉलेज ड्रॉप करना था उसे। कितनी बार समझाऊं कैसे समझाऊं उसे कि उस लड़के के साथ मत घूमा करो। ब्रेकफास्ट तैयार है। ए जानो सुनिए जी क्या मेरी जानो को बुला सकते हैं? जानो बाहर आओ। यू नो जैसिका फैशन डिजाइनिंग के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गई है बेचारी। यामिनी उसके चंगुल में फंस गई। अच्छा कल महेश के घर में प्रिपरेशन कैसा हुआ? अरे क्या बताऊं ठीक उसकी तो बात ही मत करो तुम। ठीक है और ये बताओ दक्षा का क्या हुआ? वो बस आता ही होगा। रोड नंबर 7 पार किया होगा। नजदीक पहुंचा ही होगा। डैडी मेरी प्यारी बच्ची ये सब करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। श्री को महसूस हुआ तो उसने मुझे कॉल करके सब बता दिया। श्री मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। अगर तुम्हें ठीक नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। ये लड़का पूजा कर रहा है कि पेपर लिख रहा है? हाँ गोवा लड़कियों को भी। ये लड़की तो कुचिपुड़ी का क्लास समझ रही है। लगता है इसे सेंटर में भेजना पड़ेगा। क्वेश्चन तो सारे याद आ गए पर आंसर याद नहीं आ रहे। कहाँ पढ़े थे? मुझे मारने से अच्छा है
ये कुछ पढ़ के आती तो मेरा भी फायदा होता। कुछ समझ नहीं आ रहा है, what the hell? सर, एक्स्ट्रा पेपर शीट दीजिए। एग्जाम से पहले 43 ml पैक मार लो, तो जो पढ़ा है वो सब कुछ याद रहेगा। बेवकूफ बनाता है मुझे। अकड़ बकड़ बम्बे बोग सिम पे पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। यस, अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। आ, थैंक गॉड बच गई। यस। अबे भैंसे सुन लो। अगर आपने मुझे पास किया तो मैं ये चेक पास करूंगा। अगर मुझे पास किया तो मैं 5,000 लिखूंगा। ठीक है छोड़ो, 50,000 लिख देता हूँ। कोई बात नहीं, दिखा। प्लीज सर। ए, दिखाने को कहा ना। अब क्या करूँ, दिखाना ही पड़ेगा। हे भोलेनाथ, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। मुझे 100 में से 100 मार्क दिलवा देना। ओ जीसस, प्लीज सेव मी। बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे पास करवा दो। ओ साईं बाबा, मुझे पास करवा दो। 100 में से 100 दिलवा दो। हे अल्लाह मियां, 100 में से 100 मार्क दिलवाने की मेहरबानी करो। ये इस पे इतना भाव खा रहा था। हे सर्व जगत के ईश्वर, इसे पास करवा देना वरना इसका भरोसा टूट जाएगा। ऑलमोस्ट 7 इयर्स आज से इस कॉलेज से हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, फिर से आएंगे ना। 8-10 दिनों के अंदर कैंपस सिलेक्शन होने वाला है, ऐसा वैशाली मैम ने कहा। इमोशनल हो रहे हो क्या? नथिंग लाइक दैट। यस, मैं तो जरूर पास हो जाऊंगा। और तुम? सुपर्ब। यू नो व्हाट, अकड़ बकड़ बम्बे ने मेरी लाइफ बचा ली। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ईमानदारी से श्री को सॉरी बोल देना। और तूने रात में जो किया ना वो बहुत ज्यादा था, समझ गया ना? अच्छा, सुनो, बोल ना, बोल। महेश, सॉरी यार, कल रात को मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, प्लीज। लगता है कोई गेस्ट आया है। अरे अगर तू टीवी नहीं देखेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जा देख कौन आया है। जा अंदर, जल्दी जा। डैडी, फोन बज रहा है। डैडी। अंकल, मैं बोल रही हूँ, दक्षा। बोल बेटी। आपकी नंदिनी है ना? हाँ। उसे कैसे पाला है अंकल? अरे राम, वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर बिल्कुल सिल्क स्मिता जैसी लगती है। उसे संभालिए अंकल, उसे ना मेरे शरीर से दूर रखिएगा। हाँ, हाँ, हाँ। इधर आना, आ जा। आ, तेरी बहन की शादी में पूरे 50 लाख रुपए खर्च किए थे। अब देंगे प्रवचन। हफ्ता भर भी नहीं बीता और वो अपने पति को छोड़कर यहाँ आकर सरप्राइज दे दी मुझे। और तू परीक्षा के नाम पर पब में जाकर मुझे सरप्राइज दे रही है। पता है, अब मैं भी तुम्हें कल एक सरप्राइज दूंगा। ओके है ना? ओके है, ओके है, ओके 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 है, ओके है, ओके है, ओके 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 है, ओके। हेलो। हाँ चंदू, टेल मी। हेलो अंकल, मैं चंदना बोल रही हूँ। अंकल, चंदना बोल रही है क्या? मुझे दे। नंदिनी अंकल कहाँ है? वो दरअसल बाथरूम में गई है। अच्छा अंकल, मैं नंदिनी किशोरी अंकल। किशोरी? हाँ, क्या अंकल? वो वही तो नंदो के बेस्ट फ्रेंड है। हम सब मिलकर शॉपिंग करेंगे ना, तो गिफ्ट मिलेगा। और हम तीनों को साइन भी तो करना है। नंदू को प्लीज भेज दीजिए ना अंकल, प्लीज। ओके बेटी, ऐसा ही करूंगा। कह रही है लकी गिफ्ट निकला है। हाँ? कल तुम लोगों ने शॉपिंग की थी क्या? कह रही थी किशोरी भी है। हाँ? बेस्ट फ्रेंड है क्या? हाँ। अगर तुम्हें देर हो गई तो किशोरी के यहाँ सो जाना। फ्रेंकली स्पीकिंग, डैडी ने तेरे साथ सोने के लिए कहा है, पता है? ए पगले, कम ऑन। किसी ने देख लिया तो? इस राइडल को किसने बनाया क्या पता? लेना। गाइस प्रिटेंड ग्राफ पिक्चर, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। कम ऑन। ए, ये क्या कर रहे हो तुम? किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं दिख रहा है, चलो ना, कम ऑन कम ऑन। अरे हेलो, पीछे चल रहा है यार। कर रहे हो डरपोक कहीं के? कर दिया, कर दिया।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लव जंक्शन विद मी सौम्या। आइए अब पढ़ते हैं हमारा अगला मेल। चंदू, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे प्यार की राह देख रहा हूँ। इतने दिनों से तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा अब तक समझ नहीं पाया हूँ, और अब मैं जल्दी अपने प्यार का इजहार तुमसे करने वाला हूँ। और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, इतने दिनों में मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि तुम्हारा प्यार सच है या झूठ है। ये सब चल क्या रहा है? ये तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं भी उसे पसंद करती हूँ। कितनी बार पेरेंट्स भी देखते हैं, बहुत एम्बैरेसिंग होता है यार। तो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही चंदना होगी। लगाना ही होगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा, और इसीलिए मैं इस दुनिया में हर चंदना के पास प्लूटो है क्या? क्या ये कोइंसिडेंस है? जेसिको, तू कितना लकी ड्रॉप्स है यार, और मैं भी कितना लकी हूँ। तू लकी है क्या? तुझे बताता हूँ, तुझे मैं पीने ही नहीं दूंगा। हे प्लूटो, डू नॉट टच। हे, क्यों देख रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ? इस पर क्या लिखा है? डू नॉट टच। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। हेलो मैडम, ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट इश्यू है, तुम इसे ऐसे। हाय मिल्की, हम चलकर कॉफी बनाते हैं। गेट लॉस्ट यू फैट हीरा। सॉरी बोलो, सॉरी बोलना ही होगा। यामिनी ऑमलेट, सॉरी बोलते हो या नहीं? मम्मी डैडी, अच्छा है ना बाबू? किचन में भूत है, उसने मुझे ऑमलेट दिया। आंटी भूत है किचन के अंदर। इन सब की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। ये समझाने के लिए अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, तुम खुद ही ये बात रियलाइज करो तो ही बेहतर होगा। पापा वो तो हम लोग सिर्फ I'm really sorry. बाय बाय। ए मेरे, बाहर निकल तो। मेरी लाइफ से भी बढ़कर तुम्हारी मीटिंग है क्या? 5 मिनट में करूंगा, बोला ना मैंने। क्या छे? नंदू, अब इस बात को तुम्हें सीरियसली सोचना होगा। तुम्हारी लाइफ भी मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए, प्लीज। मेरे पास कोई आइडिया तो नहीं है, मगर किसी भी तरह से तुम इस रिश्ते। मुंह बंद रख अपना, भक्ति रहती है। क्या है पापा ये सब? मेरी जिंदगी बर्बाद होने के बाद भी आप इसकी शादी उस घर में करवा रहे हैं। आप ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हैं पापा? ये क्या कह रही है जी? तू अंदर जा, तू मेरे साथ आ। क्या ग्लैमर है यार। माँ के घर में रहकर बहुत तगड़ी हो गई है। इसे घर के सारे काम आते हैं या इसी की तरह बस खा पी कर सोती रहती है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की घर के सारे काम करती है, झाड़ू मारती है, बर्तन धोती है, खाना पकाती है, खिलाती है, सबकी सेवा करती है, कोई कमी नहीं है इसमें। ये तो गाय के जैसी है। मेरी बहन भी ना गाय जैसी ही है, इसीलिए तुम जैसे शैतानों को छोड़कर यहाँ आ गई है। चुप कर नालायक। इसलिए लड़कियों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, हम चाहे जो बोले बैल की तरह बस सर हिलाना चाहिए। इसीलिए तो आप भी उन्हीं में से एक है ना, आपको भी तो बैल की ही भाषा समझ में आती है ना। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम चुप हो जाओ। वैसे भी ये मेरे घर की बहू बनने वाली है, इसे तो मैं सही रास्ते पर ले आऊंगी। वो तो है। हाँ ठीक है, घर जाने के बाद मुहूर्त के बारे में बताती हूँ, अब चलती हूँ। मुझे किसी रेलवे ट्रैक पर जाकर मरने का दिल कर रहा है, कोई मुझे पॉइज़न ही दे दो यार, प्लीज। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ कुछ करते हैं ना, कुछ तो कर यार। ये तो मुंह तक नहीं खोल रहा है। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, दोनों की भगाकर शादी करा देंगे। सिर्फ भाग जाना ही एक रास्ता है क्या? हर एक प्रॉब्लम का कोई एक्सट्रीम सोल्यूशन भी होता है ना। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। वैसे भी
किशोर में क्या कमी है? हम लोग डायरेक्टली जाकर उनसे बात करते हैं। वैसे भी हम सबको पता है ना, इसके पापा इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, अब इसका एक ही रास्ता है, अंकल को कन्विंस करना। अगर नहीं माने तो? जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक उन्हें हमें मनाना होगा, बस यही। कल तुमने मुझसे क्या पूछा था? कलर टीवी। टड़न टड़न। अच्छा है ना, पसंद आया ना? ये कैसे पैदा हो गए कुछ समझ में नहीं आता, हमेशा ये गड़बड़ कर देते हैं। बड़े आए कलर टीवी लेके। कलर टीवी कह रहा था तो मैं ये लेकर आया। इसे लगाने से टीवी कलर हो जाएगा, इन्हें समझना ही मुश्किल है। अब बोलो, लड़का बहुत सुंदर है ना? 50,000 सैलरी है, कोई बुरी आदत भी नहीं है। इस लड़के के पिता पागल हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है अंकल। यूजलेस फेलो। अंकल, अगर आप चाहो तो ये शादी हो सकती है। उसमें क्या है ब्रदर, सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर तुमने भाग कर शादी कर ली तो काम हो जाएगा। यही तो मैं भी कह रहा था, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है। कौन है बेटा? उस लड़की की बाप का नाम है अलगप्पन। हैं? मेरा नाम भी अलगप्पन ही है। कितने बड़े बेवकूफ हैं। लड़की का नाम है नंदिनी। अरे रे 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 रे, क्या कोइंसिडेंस है, क्या कोइंसिडेंस है। मेरी बेटी का नाम भी नंदिनी ही है। बड़ी बेटी की किसी बेवकूफ के साथ शादी करा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसी फैमिली में दूसरे लड़के से उसकी शादी करवा कर अपनी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी ऐसा गाना गा रहे। ब्रदर, कहीं तुम मेरी बेटी के बारे में तो नहीं बात कर रहे? जी हाँ, उसी के बारे में। क्या कहा? मेरे ही घर में आकर मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है क्या? ए किशोर, तू ही है क्या किशोरी? But uncle, they are adults. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी बातें करती है, मेजर मेजर बोलती रहती है। What is he saying? He's saying you are so beautiful. Oh, thank you, uncle. अरे अभी मुझे याद आया, मेरी अंडियाल को तुम बेंगलुरु लेकर गए थे, क्यों, सही है ना? पूरा प्लान चौपट हो गया। Get out! अरे बाप रे, पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में झेलना पड़ रहा है? फिर से कुछ फूटने वाला है क्या? फूटेगा भगवान, बचा लो बचा लो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? नया कलर टीवी ब्लास्ट कर दिया तुमने, बम डालकर उड़ा दिया उसे। पद्मावती, लगता है बम ही नहीं है, ये लोग बच्चे नहीं है, बहुत सयाने हैं। भूत है पद्मावती, भूत है। बाप रे बाप। अपना झुमका निकाल, मुझे दे, और गले का चेन भी। ये सब तेरे बाप की संपत्ति है। हा? तेरे बाप की संपत्ति है या? हाँ। आज के बाद ये कहीं नहीं जाएगी, कॉलेज में भी नहीं, हमेशा घर में ही कैद रहेगी। हाँ ओके, एक काम करते हैं, मेरे डैडी से कहते हैं कि वो अंकल से जाकर बात करें। इससे बढ़िया तो इनकी भगा के शादी कर देते हैं। पागलों जैसी बातें मत करो तुम, प्लीज। मैं जो कहती हूँ ऐसा ही करो। ओके 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 ओके, जैसा चंदू कह रही है ना, सुन लेते हैं। लाइफ से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। सेवेंटी 76 missed calls? ओ माई गॉड। हेलो, इज एवरीथिंग ओके? नो। क्या हुआ?
फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे डैडी ने मेरे सारे गहने छीन लिए हैं। मेरे बैंगल्स, मेरा चेन। शट अप। लिसन, तुम्हारे घर के बाहर 999 नंबर के एम्बेसडर कार खड़ी है। व्हाइट एम्बेसडर है ना? वो तुम्हारे लिए ही अरेंज की है। चांस मिले तो सीधे बाहर आ जाना, ठीक है? वेट 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 वेट। I love you, चंदू। तुमसे कब से प्यार हो गया पता नहीं, और कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। Till then, sweet dreams. ए, कौन है? चंदू। चोर कहीं के। I'm sorry. ये रूबिक्स क्यूब, ये ग्रीटिंग्स, ये सब तुम्हारे ही है ना? मेरी है। Even I love you, Shree. I love you so much. I love you. तो तू भी ना। See you, bye. वाटर है या पेप्सी? हैं? हैं? On the rocks. क्या रॉक्स? रॉ पी रहा है बेटा। तू बड़ा हो गया है मुझे कल ही पता चला है, लेकिन इतना बड़ा हो गया है मुझे अभी पता चला। पॉइंट पर आइए ना। अपना बैंक वाला प्रसाद है ना, उसके पड़ोस में कोई है जिसने तुम्हें देखा है। वो तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं, दहेज भी देंगे ऐसा कह रहे थे। मार्केट में तेरा भाव बढ़ रहा है सुनकर मुझे तो शॉक लग गया। पापा, अपने घर के बाहर सोल्ड आउट करके बोर्ड लगाया है ना। मैं तो कब का बिक चुका हूँ। क्यों, अच्छी दिखती है क्या? उसे बोला क्या? सोई है वो। अरे तो फिर कब बोलेगा? नीट पिया है, नशा चढ़ गया होगा तो क्या सुबह उठने पर बोलेगा? नहीं, मैं सेटल होने के बाद बोलूंगा। मैं क्या करता हूँ, कितना कमाता हूँ, उनकी बेटी को मैं कैसे संभालूंगा, ऐसा उसके पेरेंट्स मुझसे सवाल तो जरूर पूछेंगे। उन सबके जवाब जब मेरे पास रहेंगे तब बोलूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बच्चे भी कपड़े हो जाते हैं। डबल नाइन डबल नाइन। अरे यार, चंदना की 20 मिस कॉल है, तू उसको आंसर मत दे यार। चंदना है। नंदिनी का मैटर सॉल्व होने तक हम लोग उसे कुछ नहीं बोलेंगे। हे, चंदना इज कॉलिंग। यार कुछ अर्जेंट काम होगा। कल तो बहुत ही टू मच हो गया था यार। रात को नंदिनी ने मुझे 76 मिस्ड कॉल दिए थे। ओ। चंदू स्कोर 42। इन बातों में लड़कियां ना 3 मच होती हैं यार। कल से ही मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे लगता है उनको पता चल गया, वो हम लोगों को देख रहे हैं। अरे इसमें टिंटेड ग्लास लगा है, वो नहीं देख सकते। हाँ? वो एम्बेसडर कल रात से ही यहीं पे खड़ी है। 999 नंबर तो बहुत ही अच्छा है, जोड़ेंगे तो पता है कौन सा नंबर आता है? अरे पगली, कल ही तो मैंने बताया था कितना भी जोड़ो 9999 का 9 ही आएगा ना। बेटा क्या? पापा को सिर दर्द हो रहा है, जाकर मेरे लिए टैबलेट लाना। जाओ। अरे कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन है। कोई बात नहीं, खेल जब देखो परेशान करते रहते हैं। पापा मैं लेकर आऊं क्या? मेरी और इज्जत उतारनी है क्या? बहुत हो गया। नंदिनी मेरे लिए दवाई लेकर आएगी। ये ले पैसे। ओए ओए, नंदिनी आ गई यार।
सुनो भाई, है? मेरी बेटी नंदनी यहाँ आपकी दुकान पर दवाई लेने आई थी क्या? हाँ याद है, दिया था, उसके बाद हो गई। अरे भाई लेकिन वो तो घर पर आई ही नहीं। कल यहाँ पर एम्बेसडर कार थी ना, 999 व्हाइट कार, व्हाइट एम्बेसडर कार, सुपर नंबर 9999, मेरा लकी नंबर भाई। कार से गई है। अच्छा किशोर देख, तू डर मत, इसी 27 तारीख को तुम दोनों की रजिस्टर मैरिज होगी। ओके किशोर भाई संभाल कर। हाँ सुनो, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। किसी भी तरह चंदू को नंदिनी के बारे में पता नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ओके। ए, क्या 24 घंटे तेरा यही चलता रहता है? यहाँ एक सीरियस मैटर चल रहा है। हाय। 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 चंदू, व्हाट अ सरप्राइज। और तुम ऐसा चेहरा क्यों बना के बैठी हो जैसे कार्टून नेटवर्क चल रहा हो? हाँ वही। कल रात को मेरे घर में घुसकर, मेरे बेडरूम में आकर, मुझे मेहंदी लगाकर किसी ने बर्थडे विश किया था। देखो 105 लैंग्वेजेस में आई लव यू लिखा हुआ है। ओह ए देखा, फॉरगेट दैट यार, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे घर में भूत है, मगर तुम ही यकीन नहीं कर रही थी। भूत? मुझे पता है तुम्हारी मेहंदी किसने बनाई है। किसने? प्लूटो। अरे अच्छा ये नंदिनी कहाँ है? ची 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 ची। हाँ? उसके बारे में बात ही मत करो तुम। उसका नाम लेते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। उसका नाम सुनते ही हमें गुस्सा आ जाता है। कूल कूल। हमने क्या सोचा था? हाँ? क्या सोचा था? एक बार क्या, हजार बार हम लोगों ने अलगप्पन को मनाने के बारे में सोचा था ना? हाँ? हाँ? पर वहाँ क्या? वो भाग गई। हाँ? उस किशोर के साथ बोले बिना भाग गई। क्या है? उधर देख। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। अरे ये यहाँ क्या? पुलिस को पता चल गया, अब तो हमारी इज्जत गई। प्रेजेंट टीचर। नंदिनी को जो लेकर गए थे ना, वो यही लोग हैं। क्या? और ये सभी लोग ना मिले हुए हैं। पायल लीजिए। ये लीजिए और अपना काम कीजिए। पुलिस स्टेशन तो फर्स्ट टाइम जा रहा है क्या? एक्सक्यूज मी, आप फर्स्ट टाइम जा रही पुलिस स्टेशन? मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, उन माँ बाप को कितना दुख होता होगा, ये मैं जानती हूँ। वो जो श्री नाम का लड़का है ना, वो बहुत ही कमीना इंसान है। और वो जो चंदना है ना, बर्थडे के दिन पुलिस स्टेशन में सड़ रही है। देखिए ना कितनी बुरी बात है, कितना बुरा हुआ उसके साथ। यही है वो, यही लड़की है, सब लोगों को मेरे घर में बुलाकर मेरी बेटी को साथ लेकर गई थी। सर हाँ? इन्हें मैं संभाल लूंगी, आप यहाँ से चलिए। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? तुम्हें पता है तुम पर कौन कौन सा केस बन सकता है? उनमें से एक का नाम होगा नॉन बेलेबल वारंट। अब इस वक्त कौन है? बकरी को बंदर ने काटा, उससे पैदा हुआ बच्चा, तेरे पिंड का कुत्ता कौवा फुटबॉल खेले, परीक्षा में कुछ भी नहीं लिखा है, चेक रख करके लिखा है कि पास कर दो, तो फिर मेरा चेक पास कराना चाहिए था ना? लाश का कुरमुरा उठाकर भेलपूरी बनाकर खाने वाला और 108 में फर्स्ट एड बॉक्स चुरा करके आरएमपी डॉक्टर्स को बेचने वाला कमीना, भंगार का सामान बेचकर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने वाला बेईमान, बीवी के लिए मक्खी को मारने वाला कमीना, कौवे के अंडे को ऑमलेट बनाने वाला हाफ माइंड। अगर चेक नहीं पास हुआ तो याद रखना तेरी तो मैं। कैसा चेक लिखा है तूने? तुम लोग ऐसे एग्जाम देते हो क्या? जरा जगह देख के तो धमाके छोड़ा कर। डैडी, thank you.
श्री को 103 तक का बुखार है, उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। What? एक बार आके देख लो। हेलो भक्ति। हाँ चंदू, मैं हॉस्पिटल में हूँ, श्री की हालत बहुत खराब है। Okay, hello? I'll call you back later. हेलो हेलो, हे भगवान, श्री को जल्दी से ठीक कर देना। ए चंदना, एक बार सोचो तो, पहले भागकर शादी कर लो, जब पता चला कि वो एक बड़े आदमी की बेटी है तो फिर उन्होंने हमें ही भगा दिया और फिर उसकी बेटी को ही हाउस अरेस्ट कर दिया, कैसे भरोसा करूं उस पर। अरे कुछ बोलो तो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हर प्रॉब्लम्स के हजारों सॉल्यूशंस होते हैं, अगर उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन से सॉल्व किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे बर्थडे के दिन मम्मी पापा को पुलिस स्टेशन आना पड़ा, इससे बुरा क्या हो सकता है। हमारे पैदा होने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कितने सारे सपने देखते हैं हमारे पेरेंट्स, तुम्हें पता है, और बड़े होने के बाद कुछ बुरा ना हो जाए ये सोचकर घबराते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका विश्वास हम पर फिर से बन जाए। ओके, प्रॉमिस करो आज के बाद तुम झूठ नहीं बोलोगे। कितना ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हें, तुमसे प्रॉमिस किया तो मैं लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे क्योंकि तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो, इसलिए। प्रॉमिस करता हूं। Profile of our company PTI SYS and the performance of the last 5 years, job की profiles के बारे में, अपने qualifications के बारे में या फिर salary के बारे में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। Yes, gentlemen. I am Mahesh. मेरे 10th में 90% है, इंटर में 85%, और सच कहूँ तो इंग्लिश में तो मैं सुपर हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे। Do you think English is spoken in all countries? हाँ। Next. जिस कैंडिडेट के पास सही क्वालिफिकेशन हो, हर सवाल का पहले जवाब दे, उसे ही टाइम और रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसे एक चांस तो मिला। यहाँ जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है मैं नहीं जानती, पर मेरे लिए ये जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। जॉब मतलब सिक्योरिटी। पिछले 5 years की ग्रोथ देखकर ऐसा लग रहा है आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है। गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आई विल प्रूव माय बेस्ट। थैंक यू। एनीवन एल्स? असल में आपकी कंपनी में मैं क्यों ज्वाइन करूं बताइए? आपकी कंपनी टॉप 50 में है नहीं या फिर फॉर्च्यून 500 में है? सो मुझे 50,000 सैलरी प्लस ऑल एक्सपेंसेस अगर ये दे सकते हैं तो आई विल डेफिनेटली थिंक ऑफ ज्वाइनिंग टू मेक योर कंपनी अमंगस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन अबाउट 2 years. दैट्स माई प्रॉमिस। ओवर कॉन्फिडेंस? इनकरेक्ट सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपने मुझे एनालाइज किया है तो मैं ये सब जो कुछ भी बोल रहा हूँ उससे आप एक ओपिनियन पर तो पहुँच ही सकते हो, बट मैंने जो एनालाइज किया है तो मैंने जो किया, जो कर रहा हूँ और जो करने जा रहा हूँ वो सब मिलाकर एनालाइज कर सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मैं अकेले ही जानता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हेलो फ्रेंड्स, 50,000 रुपीस साल प्लस ऑल द एक्सपेंसेस टेकन केयर ऑफ। ए हिल क्यों रही हो, ठीक से बैठो। सॉरी माँ, पापा का नाम है रविशंकर। अगस्त 13 को तुम कोई काम मत रखना, बाहर भी मत जाना, घर में ही रहना। पर क्यों? जब तुम छोटी थी तुम्हारे बचपन के दोस्त अर्जुन अर्पिता याद है? नहीं। अरे वही अर्जुन जो अपने पड़ोस में रहता था, बहुत अच्छा लड़का था। अर्पिता बहुत मोटी दिखती थी, तुम्हारी चॉकलेट छीनकर तुम्हें रुलाया करती थी। वो सब कहानी छोड़िए और असल बात बताइए। दरअसल बात यह है कि अर्जुन के माता पिता और तुम्हारे डैडी की एक पार्टी में मुलाकात हुई थी। अर्जुन अमेरिका में बहुत अच्छी पोजीशन पर है, वो लोग तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। पर क्यों? शादी करवाने के लिए? हाँ जी, यामिनी को आपने देखा है क्या? ओह यामिनी, यामिनी, where are you? सब आप लोगों की मर्जी से होगा, आप लोग जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। वो सब छोड़ो, तुम किसी को चाहती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ। अगर अर्जुन की फैमिली पसंद आई तभी आगे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो, तुम्हारे लिए। हाउ आर यू चंदू? Do you know who I am? डेली पजल क्यूब को देखकर तुम सो जाती हो, वो जल्दी सॉल्व कर देना, जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर कौन है। देखो तुम्हारी जोड़ी की बात छोड़, वैसे भी वो लोग काफी दिनों के बाद यहाँ। 13th को ना
ठीक है। 4-5 साल से मैं ऑब्जर्व करते आया हूँ, जब भी चंदना के पेरेंट्स मुझे देखते हैं तो ऐसा एक्सप्रेशंस देते हैं, वैसे उनको भी। श्री प्लीज कम। ऐसे में बदलना है, जो मैंने सोचा है उसे पूरा करके मेरे प्यार को पाने का वक्त बहुत जल्दी ला दो। इसमें मुझे आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए, काफी होगा। हेलो। हाँ श्रीधर, गुड न्यूज फॉर यू, यू आर सिलेक्टेड, प्लीज कम एंड कलेक्ट योर अपॉइंटमेंट लेटर। अरे अफजल, आई एम फाइन, हाउ आर यू? अरे कुछ नहीं यार, माने किसी चंद्रा नाम की लड़की का फोटो भेजा है, वो तुझे फॉरवर्ड करता हूं, तू उस लड़की से मिलकर तेरा ओपिनियन बता। कितना हैंडसम लग रहा है। ये चंदना कहाँ रहती है? ओ, चंदना वो तो श्री के साथ है। ए, मैं कौन बताएगा? देखो तो कितना खुश लग रहा है। इसे जानती है? चंदना कहाँ रहती है बताएंगी? वो कहाँ रहेगी, वो श्री के पास भटक रही होगी। क्या चक्कर है, जिसे भी पूछता हूँ बोलता है श्री के पास भटक रही होगी। और क्या कह सकती हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? अच्छा। 5 साल पहले अपने पेरेंट्स को मस्का मार कर वो दोनों बेंगलुरु गए थे। वहाँ श्री और चंदन अपने फ्रेंड्स को उल्लू बनाकर और फिर फुल नाइट, कंप्लीट नाइट, इंटर नाइट मिस हो गए थे। इस मिस के बारे में दुनिया सारी जानती है और आपको ही नहीं पता। क्या कह रही है ये लड़की? हेलो जेंटलमैन। हाँ बोलिए। हैप्पी होली। पूरा रंग लगा दिया। जानती हो चंदू, 5 सालों से मैंने किसी को भी नहीं बोला है, वो सारी बातें अपने दिल में छुपा कर तुमसे कहने जा रहा हूँ। मैं कल बताऊंगा, जब भी चांस मिलता है, पीना जरूरी है। हाँ? अरे चंदू मेरी सोना, मैं कितना खुश हूँ तुम जानती हो क्या? श्री तुम अपनी हद पार कर रहे हो। चंदू 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 चंदू। हेलो बॉस। बॉस। यस। श्री आप ही हैं क्या? यस। यहाँ तो सबके लिए सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका। चंदना पूछता हूँ तो सभी बोलते हैं कि श्री के पास होगी, आपका नाम लेते हैं। पॉइंट पे आ जाना यार। अरे कुछ नहीं, पेरेंट्स को मस्का मार कर बेंगलुरु गया था, कह रहा हूँ सभी फ्रेंड्स को पार्टी दिया करता हूँ, पूरी नाइट बेंगलुरु में हाउजी में स्पेंड किया करते हैं। वही मेरे भाई, मेरे और चंदना के बारे में बोल रहा हूँ। वो क्या है ना, उस दिन नाइट को मैटर क्या हुआ था? क्या हुआ होगा ऐसा तो सोच रहा है? अरे वही हुआ होगा। वही तू जो सोच रहा है ना, बराबर वही है। वही हैप्पी होली। हैप्पी होली। फर्स्ट रीजन ये है कि हमारी कंपनी टॉप 50 में है, ये पूछने पर एटलीस्ट फॉर्च्यून 500 के बारे में बोला। बट आई रियली लाइक योर एटीट्यूड, सो हियर यू गो। सर थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Yes!
चंदू, आज मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूं, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने आया हूं। आज मेरी लाइफ का मोस्ट हैप्पीएस्ट डे। चंदू क्या हुआ? देखिए आर्गुमेंट का कोई फायदा नहीं है, आपको बच्चे पालना नहीं आता है, तुम्हें तो फ्रेंडशिप के नाम पे लोगों को धोखा देना आता है। इज्जत से बात कीजिए। तुम क्या मुझे इज्जत से बात करना सिखाओगे? तुम्हारी बेटी के कॉलेज में कितनी इज्जत है जाकर के पूछो तब पता चलेगा। मेरी बेटी के बारे में कोई कुछ कहे ना मैं सुनूंगा और ना यकीन करूंगा। हाँ, ये बातें किसी और ने नहीं, खुद उस लड़के ने बताई है पूरी डिटेल्स में। श्री को जानते हो ना? वो और चंदना बेंगलुरु गए थे, वहां जाकर एंजॉय किया, खुद अपने मुंह से बताया उसने। मुझसे प्रॉमिस करके तुम मेरे ही बारे में बुरा कहोगे? चंदू वो नो, दोबारा फिर कभी मेरा नाम भी मत लेना, समझे? अगर मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर दोबारा आया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। चंदू असल में बात यह है कि तुमने बैंगलोर में मेरे साथ एंजॉय किया ऐसा कहा या नहीं? चंदू देखो क्या हुआ। कहा था या नहीं? देखो मैंने ऐसा कुछ कहा था या नहीं? पता है आज तक सब लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते थे पर मैंने यकीन नहीं किया। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे पापा का भी आज के बाद अगर कोई तुम्हारे बारे में अच्छा भी कहेगा ना तो यकीन नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छिन गई हैं। मेरे पापा को तुम्हारी वजह से लोगों के तरह तरह के ताने सुनने पड़ रहे हैं। जिंदगी में आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। गेट लॉस्ट। अजीब आवाज है ना? क्रिकेट्स। क्या सोचा था और क्या हो गया? माना कि पूछताछ के लिए कोई आया था, उसने आके कुछ पूछा भी। बेंगलुरु वाली बात बताने की क्या जरूरत थी? परफेक्ट यार, तू 100% करेक्ट है। इंक्वायरी करना है तो गलत बात क्या है? अच्छा ही हुआ चंद्रा के साथ रिश्ता खत्म हो गया। श्री, मैंने तुझे 1000 बार पूछा, कम से कम एक बार तो बोल, उस दिन रात को बेंगलुरु में क्या हुआ था? बता देना यार। बोल क्या हुआ? बोलना प्लीज यार, ये बात तुम लोग कभी मुझसे मत पूछना। इट्स ऑल ओवर। मुझे लगता है कि जिंदगी भर चंदू मुझसे बात नहीं करेगी। ए, तुझे चंदू से बात करनी है ना तो ये मुझ पर छोड़ दे, कल ही तो चंदू से मिलेगा। ए, चलते हैं। बाय यार, गुड नाइट। हाय चंदू। हाय चंदू। तुम्हें किसके बारे में बात कर रही थी? ओह यस, अबाउट दैट प्रोग्राम। या दैट लाफ्टर चैलेंज, सुपर्ब। भक्ति, आई कांट बिलीव इट, तूने मुझसे कितनी बार कहा था देखने के लिए। कल रात को ही मुझे टाइम मिला, बहुत फनी होता है वो, स्पेशली व्हाट्स दैट गाइस नेम, सुरेश अल्बेला। माइंड ब्लोइंग या सुपर्ब। चंदू प्लीज एक मिनट के लिए मेरे साथ बात कर लो। चंदू, इस दुनिया में बिना रिलेशन के एक साथ कौन रहते हैं बता है तुझे? सिर्फ जानवर। मुझे प्रॉमिस करके उसे तोड़कर सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। इसका मतलब मैं इसके लिए स्ट्रेंजर ही हूँ ना? और स्ट्रेंजर्स के बीच में कैसा रिश्ता? नथिंग। हमारे बीच कोई इमोशनल बॉन्ड होगा क्या? एब्सोल्युटली नथिंग। मैं खुशी से जिंदगी जीऊं ये इसे पसंद नहीं, किसी के साथ सेटल हो जाऊं ये इसे पसंद नहीं। एक इंसान को रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकता है ये। एनफ, टेल हिम टू स्टे आउट ऑफ माय लाइफ फॉरएवर। जाने दे बेटा, उस लड़की का नसीब नहीं है कि तुझसे शादी करे। ओ हेलो हेलो, वो बात मैं बचपन से ही जानता हूँ, डोंट वरी यार। इतने बड़े शहर में मेरे लिए कोई ना कोई तो होगा, मैं जानता हूँ। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। मेरा खुश
खुशी से रहना इसे पसंद नहीं। मैं शादी करके सेटल हो जाऊं ये इसे पसंद नहीं। किसी इंसान को रिस्पेक्ट देना भी नहीं जानता ये। Nice meeting you. Hello? Sir, आपका valuable 1 minute चाहिए सर. Who is this? सर, मैं सुबह राव बोल रहा हूँ सर. आपकी बेटी के संबंध के बारे में बातचीत करनी है सर. बहुत अच्छी मूड में थी तो मैंने MMS क्लिप बनाई है सर. अगर इंटरनेट पर डालूंगा तो एक चुटकी में आपकी अर्पिता की खूबसूरती पूरी दुनिया को अर्पित हो जाएगी सर. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे ही घर में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सर. ले लो. आपकी बेटी के लिए बार्गेनिंग क्या करना सर. हाय डैड, यू नो व्हाट, विक्रम अंकल सन, ही इज अमेजिंग. कल तो पार्टी में ही वाज रियली रियली. मुंह बंद कर. तुम्हें आजादी दिया इसका ये सिला दिया है तुमने मुझे. ऐसे आवारा लड़कों के सामने मुझे झुकना पड़ रहा तुम्हारी वजह से. तुमने बिल्कुल सही कहा था बालू. हाँ डैडी, जब मुझसे पूछा गया कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पसंद है तो मैंने आपका नाम लिया. उसने कहा कि अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा तो वो मानेंगे. I said no way. लेकिन आप मेरे अलावा बाकी सभी लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं. गांव वालों को बुलाकर मेरा 5th बर्थडे कितने अच्छे से मनाया था ये उसी की सीढ़ी है. थैंक यू सो मच डैडी. किसी ने आपकी बेटी के बारे में कुछ बोल दिया तो आपने एक पल में सीधा उस पर भरोसा कर लिया. एक पल में, एक ही पल में आपका अपनी बेटी पर से भरोसा उड़ गया और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया. हाँ सर, आपको अपने परवरिश पर भरोसा नहीं है, अपने खून पर भरोसा नहीं है तो फिर कोई भी अजनबी आकर चंदना के बारे में कुछ भी कह दिया तो आपका मान जाना कोई बड़ी बात नहीं है सर. आप भले ही कैसे भी फैसले ले लो सर, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन नुकसान आपकी बेटी को होगा. सच में कसम से कहता हूं सर, चंदना जैसी लड़की दुनिया में बहुत कम मिलती है सर. बाय सर. मैं हूं बेटा यामिनी, ठीक से देखो. अरे अरे ऐसा मत करो, आवाज सुनकर जैसी का आ जाएगी. प्लीज यामिनी, what are you doing? ये फैला है, what are you doing? वो आगे जा रहे हो. पीछे पड़ी हुई है. Stop! Hey, oh God! Oh my God! How sweet! Such a little dog you are. Come to me. Really, I am very sorry. मैं ऐसी हालत में हूँ कि अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ. चंदना के बारे में मैं माफी चाहता हूँ. It's all right. चंदना जैसी लड़की को रिजेक्ट करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. आपको और खासकर चंदना को कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, पर जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ. जवान का मतलब क्या होता है? So, how's mom and dad? They are fine. नंदु, जवान का मतलब बताना. जरा तुम्हारा फोन दो. See? Oh, romantic.
टेलीफोन प्रेस, मैं क्या कॉल कर सकता हूँ? थैंक यू यामिनी। सुपर डिजाइन, थैंक यू। बूस्ट, वेस्ट। तुम्हारे में और श्री के बीच में प्रॉब्लम क्या हुई थी? देखो कम से कम मुझे तो बता ही सकती हो ना। उसके बारे में बात मत कर प्लीज। तो किसके बारे में बात करें? आखिर तू कहना क्या चाहती है? अपने फ्रेंड्स को भूल जाएं क्या? ऐसा नहीं है चंदना, श्री इज अ कूल गाय, उससे बात करो ना। Enough. चंदू, आई थिंक इट इज प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग। हां यार चंदू, एक बार मेरे लिए ही गॉड डैम इट, तुम लोगों को और कितनी बार समझाऊं मैं अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हूं। मुझे उसके बारे में अब आगे से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज गेट आउट। Chandu, don't be so stubborn. We all make mistakes. We all are human. हैदराबाद में लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं लड़कियों को। तुम हमेशा वैसे ही नाटक करना जैसे तुम बिल्कुल भी डर नहीं रही हो, समझ रही हो ना? मैंने बिल्कुल सही कहा था, ये तो मुझे फॉलो कर रहा है। अरे रुको तो, हाय यार, हेलो। वे वैशाली मैडम आ रही है यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैडम। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, ऑन योर फेवरेट टॉपिक, खास करके महेश, उसने जो चूज किया है टॉपिक, द काउ। महेश प्लीज कम हियर। क्या अपॉर्चुनिटी मिली है यार, ऐसे मौके से तो मैं फ्लैट हो जाऊंगा। आई विल रीड द एसे आउट फॉर यू, प्लीज स्टे हियर। हियर इट गोज, ही इज अ काउ। Cow is a successful animal. And because he is female, he gives milk. But he will do so when he got a child. He has got four legs together. Two are forward and two are afterward. Milk comes from four taps attached to his basement. Within brackets, horses don't have such attachments. Thanks for enlightening us, Mahesh. His other motion is used for making cow dung. Oh, bichara Mahesh. This is the Indian cow. ये फर्जाना भी हंस रही है। Hey, पैसे हैं क्या? सिर्फ 85 रुपए। जाके सिगरेट पी ले। श्री। ओके ओके। हाय, आई एम श्री, वी आर फ्रेंड्स नाउ।
ओके ओके ओके। सुहासिनी स्वरूप क्यूट कपल इसी यूनिवर्सिटी में फाइनल इयर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। बॉर्न इन रिच फैमिलीज आपस में प्यार करते हैं, ऊपर से सेम कास्ट के हैं और हमेशा की तरह बिना रीजन के पेरेंट्स नहीं माने तो बाहर भागकर शादी कर ली और यहाँ आकर कैंटीन खोल ली है। अब हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। बोथ आर रियली जेम्स। पापा ने जो कहा था उसके बारे में सोचा क्या तुमने? टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? उसके अलावा तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है भी नहीं। मेरी बात मान जाओ बेटी, अभी भी बिल्कुल देर नहीं हुई है। अपने पापा की बात मान जाओ, वो तुम्हें अमेरिका में सेटल कर देंगे। अगर आपके डैडी मेरे डैडी को छोड़ने के लिए कहेंगे तो आप उनकी बात मानकर अपने हस्बैंड को छोड़ देंगी? लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज तुमने जो किया है देख लेना, एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम अपने किए पर पछताओगी, ये याद रखना। भाई ये बता कब तेरी फैमिली और उसकी फैमिली मिलकर खुश रहने वाला पल आएगा? हमारी जो लाइफ है ये देख रहे हो, इसकी तरह एक पजल है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं, रॉन्ग स्टेप्स भी ले लेते हैं, लेकिन जब ये पजल सॉल्व हो जाता है तो ये खूबसूरत दिखता है और फिर लाइफ भी खूबसूरत हो जाती है। ये देखो यहाँ आ रहा है? बोलो, ऐसे डालोगे? क्या सोच रहे हो? डालो। आज तक तुम्हें बहुत से लोगों पर बहुत गुस्सा आया होगा, तो उन पर एसिड डालोगे? सच कह रही हूँ ना मैं, एसिड क्यों नहीं डाला किशोर? लड़के अपनी जिंदगी में कम से कम 10 लड़कियों को देखने के बाद फुल रिसर्च करके उससे प्यार करते हैं, लेकिन लड़कियों के पास प्यार करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है जरा बताओ तो? 2 साल से प्यार कर रहा हूँ मैडम, लेकिन वो इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करती है। प्यार, प्यार क्या है ये जानते भी हो? तुम्हारे फ्रेंड्स ने कहा कि नंदिनी अच्छी लड़की है तो तुम्हें उससे प्यार हो गया। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड कहेगा कि उसके मुंह पर एसिड डाल दो तो एसिड डाल दोगे? सुनो, ऐसे काम कौन करता है पता है तुम्हें? जो नालायक होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, एक नंबर के लोफर होते हैं। लड़की चाहती है कि कोई उसे दिल से प्यार करे, हर मुश्किल में उसका साथ दे, वो एक अच्छा जीवन साथी चाहती है, एक ऐसा लड़का जिसके साथ रहकर उसे अपनी सुरक्षा महसूस हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो। मैंने तुम्हें जो थप्पड़ मारा है उसका दर्द तो अभी तुम भूल जाओगे, एसिड से जो दर्द होता है वो लड़कियां कभी भूल नहीं पाती। उससे चेहरा तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन उसके दिल में जो दर्द होता है ना, यहाँ जो दर्द होता है वो कभी ठीक नहीं होता। वो हर दिन हर पल मर मर कर जीती है और उसका वो दर्द कोई नहीं समझ पाता। वो प्यारी सी आंखें उसकी, वो झील जैसी, आ, 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 इसका क्या मतलब? फरजाना की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने उसे बड़ी फुर्सत में बनाया है। ब्रह्मा? फरजाना? कल अच्छा मुहूर्त है फरजाना को प्रपोज करने का। अच्छा ऐसा क्या? चल बोल अब। वो खूबसूरत टी शर्ट जो मेरी आंटी ने अमेरिका से भेजी है, कितनों ने आज तक मांगी लेकिन मैंने किसी को नहीं। मैंने भी मांगा पर तूने दिया नहीं। वो पिंक टी शर्ट क्या? एग्जैक्टली ये टी शर्ट पहन के जाऊंगा। 1 महीने से रिसर्च करके मैंने एक बढ़िया सा लव लेटर लिखा है। इस महेश को कॉलेज में कई लड़कियों ने प्रपोज किया पर ये महेश फर्स्ट टाइम लाइफ में कल फरजाना को प्रपोज करेगा। What a lucky girl, ना? सही है बॉस। चल मैं सोता हूँ यार। अरे ये क्या है? 6:30? Nice dress. अमेरिका से मंगवाई है।
सुपर ग्रीटिंग। ये इंडिया का है। फ्लावर्स, थैंक यू सो मच। सच कहूं तो मुझे लगा था महेश प्रपोज करेगा। एनीवेज, मैं तो कुवैत जा रही हूँ। कुवैत? डैडी का ट्रांसफर हुआ है ना इसलिए। ओह। बट तुम्हारे लिए एक स्वीट सरप्राइज है। वो क्या है? इस नालायक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तब भी मुझे पाप नहीं लगेगा। अबे अपना मुंह बंद कर। अगर तू प्रपोज करता तो भी तुझे पप्पी देकर वो दुबई भाग जाती। नंदू, अरे दुबई नहीं यार, कुवैत। तेरी तो वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और इस मोटे ने बीच में छोड़ दिया। क्या नाम पे थप्पड़ है तू? जा यहां से। ए ओके गाइस, चंदू तुम नंदू के घर जाओगी। नंदू तुम चंदू के घर में रहोगी। ए महेश, मैं तेरे घर में रहूंगा। ये बोलकर कि हम सब लोग बेंगलुरु किसी काम के लिए जा रहे हैं। What? ये What? अपने लाइफ की एक यादगार ट्रिप होनी चाहिए। ए माई, तो स्कॉट के घर में रहेगा। चंदू, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। तेरा क्या सीन है यार, वो तुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। स्कॉट अपने साथ में आ रहा है। ए, किशोर है। किशोर भाई। नंदिनी, आई एम रियली सॉरी। आज तक मैंने तुम्हें बहुत सताया है, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगा। बी हैप्पी। हेलो। हेलो, अलगप्पन जी बोल रहे हैं? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। आपकी नंदिनी अलगप्पन यही कहना चाहते हो ना कि चंदना या फिर भक्ति के घर गई होगी? चंदना या भक्ति के घर नहीं गई है, वो बेंगलुरु गई है एंजॉयमेंट करने के लिए। कौन बोल रहा है तू? तुम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। अरे बार या फिर रेस्टोरेंट, अशोक होटल, क्या यार ये छे, कितना कंफ्यूजन है। मैं अपना बैग बस में ही भूल गई। ए, क्या हमेशा कुछ भी भूलती रहती हो? बस मजेस्टिक बस स्टैंड। जी हाँ मैडम, वहाँ का एड्रेस मैं देती हूँ। थैंक्स। चलो, कहाँ जाना है? बस डेपो चलना है, बैग ढूंढना है ना। चलो ए तुम लोग रूम में चलो। कौन सा होटल है? पैलेस, याद नहीं आ रहा। चंदू, हम जिस होटल में उतरे थे उसका नाम क्या है? हम लोग जहाँ उतरे थे उस होटल का नाम। अभी हम लोग जहाँ उतरे थे उसी होटल का नाम पूछ रहे हो ना? जी हाँ। होटल का नाम, एक मिनट। होटल का नाम, हाँ कुछ पैलेस था। हाँ सुपर। अच्छा, हम लोग जहाँ उतरे थे उस एरिया का नाम पता है? हम जहाँ उतरे थे, जहाँ वो होटल है उस एरिया का नाम ना। सोचती हूँ जहाँ हम उतरे थे वहाँ वो होटल है, एरिया कुछ है। रुको, कोई तो नगर था है ना। अब सोचने वाले क्या बात है, मैंने सब कुछ तो बता दिया। अच्छा वाह, टैक्सी आ गई, चलो चलो आओ। चेहरे पे ढेर सारी झुर्रियां लिए, गिलहरी के जैसे चपटा नाक लिए, नाक घूमने वाला सिर और कछुए जैसा गर्दन लिए। ये कुत्ता रात में भेड़ियों के लिए खाना बन जाएगा या फिर लॉरी के नीचे चटनी हो जाएगा, ये तू ही डिसाइड कर ले। बेटे की जिद पूरी करने के लिए मैं तुझे सिर पे बिठा लूं क्या? आज रात को ही मुझे तुझसे छुटकारा पाना होगा। एक्सक्यूज मी अंकल। यस अंकल, छोटी सी हेल्प चाहिए थी। यस अंकल, हम एक एड्रेस ढूंढ रहे हैं, आपकी हेल्प चाहिए थी। मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ। चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएंगे। वेट, टेल मी। अंकल हमें पैलेस जाना है। मैसूर पैलेस? क्या अंकल, वो पैलेस नहीं, यहाँ एक होटल है जिसके नाम में पैलेस आता है। अशोक पैलेस? इंडिया पैलेस? कृष्णा पैलेस? कौन सा पैलेस? अंकल वो एक नगर में है। संजय नगर, शिवाजी नगर, विजय नगर, कौन से नगर में? अंकल उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है। पीपल का पेड़। बेंगलुरु इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ पर तरह तरह के भाषा भाषी लोग रहते हैं। अंकल उस पेड़ के बगल में एक साइकिल स्टैंड भी था। अंकल है, हम कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हैं। गेट इन। थैंक यू। बकरा मिल गया। अरे बहुत दिन हो गए यार, ये चोट तो ठीक ही नहीं हो रही है। इस पर पता नहीं मैं कितनी सारी दवाइयां लगा चुका। पता नहीं यार कौन था, बराबर उसने चोट पे दोबारा से घाव कर दिया।
अगर दोबारा कहीं दिख जाएगा तो एक पंच खींच के मारूंगा, यहीं पे ढेर हो जाएगा वो। हाँ। एक हेल्प चाहिए। एक पैलेस वो नगर में जिसमें एक पीपल का पेड़, उसमें एक साइकिल स्टैंड भी। कोई आइडिया है क्या? आइडिया है तो बोल, वरना मैं सताता ही रहूंगा। ये तो मेरे ऊपर भारी पड़ गया। कहाँ चला गया वो? आहा, क्या टाइमिंग है। और क्या चाहिए? टाइम आपके साथ हो तो सब कुछ हो जाता है, ऐसा ही सोच रहे ना आप? क्या चाहिए आप बताइए सर। सॉरी। सॉरी किस बात के लिए सर, क्या चाहिए बोलिए। एड्रेस, पैलेस। पैलेस? पीपल का पेड़ बड़ा सा। हाँ, पीपल का पेड़, बाजू में साइकिल का स्टैंड है। कौन सा नगर है वो? ठीक है, वो सब छोड़िए। देखिए, छोड़िए छोड़िए, मेरी बात सुनिए, वो सब छोड़िए सर। सर वो छोड़िए, मैं बताऊंगा आपको एड्रेस, मैं बताऊंगा। यहाँ से सीधा जाइए, सेकंड ट्रैफिक सिग्नल से सीधा राइट लेकर के फिर लेफ्ट। क्या हो रहा है यहाँ पर? टेरेस पे जाके सो जाओ। जाओ, क्या पूछ रहे हैं आप? सेकंड सिग्नल लेफ्ट राइट राउंड। आधी रात को आकर बकवास बातें कर रहे हैं, चले जाइए यहाँ से, जाइए। इस अबला ने तो मुझे तबला बना दिया। एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी खड़ी हो गई। इन दोनों मुसीबतों से एक ही बार छुटकारा लेना होगा। एक्सक्यूज मी, कार सेल्फ नहीं ले रही, उतर कर पुश करो। अच्छा अच्छा, डोंट पुल। ओके अंकल। स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई। अंकल अंकल, अरे बास्केट। ए, अंदर तो एक पपी है। देखो। या नाइस, तुम टेंशन मत लो, पुलिस आ रही है। कहाँ से आए हो तुम लोग? सर, हम लोग हैदराबाद से आए हैं। उर्दू? पाकिस्तान से हो? नो सर, हैदराबाद है सर। हैदराबाद रावलपिंडी के बाजू में है जो, वही ना? रावलपिंडी के बाजू में नहीं सर, हैदराबाद सर, आंध्र प्रदेश। तेलुगु? क्या गारंटी है इसकी कि तुम तेलुगु से हो या तालिबान से? ए सर, इस लड़के को संभाल। जी सर। ए इजाद, इजाद बोला ना। सर, मैं इसे संभालता हूँ। क्या जेब में? जेब में क्या है? कमांड सर। क्या जेब के अंदर? सर बता, क्या पता? छोड़ो मुझे यार, क्या ज़्यादा नाटक किया ना तो ठोक कर रख दूँगा, समझा? पीछे हो, पीछे गोली मार देंगे वरना। चल चुपचाप खड़े रहे। नमन या छोड़ो मुझे। चलो भागो यहाँ से, चलो। श्री श्री, बास्केट। चंदू, क्या हुआ? चंदू बोलो, क्या हुआ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने गोली चला दी। चंदू, तुमने जो किया सही किया। नहीं, मैंने ना, अरे मैंने कहा ना, उनके साथ बिल्कुल सही हुआ है, वो मरा नहीं है वहां पर। नहीं श्री, मैंने गोली चलाई। ठीक है, उसके पैर पर बुलेट चलाई तो तुम्हें प्रॉब्लम है? हाँ, चलो चलते हैं, आओ। इस बार सही निशाना ना उसके दिल पे लगाना, मर जाएगा वो। यही चाहती हो ना तुम? यही चाहती हो ना? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? चलो। चंदू, अरे कुछ नहीं हुआ है, मेरी कसम, मेरी माँ की कसम। देखो, मेरी बातों पर तुम्हें भरोसा है ना चंदू? मेरे पापा की कसम। अरे बुलेट तो जस्ट पैर में लगी है उसके। देखो, इस बात को यहीं पर भूल जाओ, ठीक है ना?
जो हुआ उसमें जितनी तुम्हारी गलती है ना उतनी मेरी भी गलती है, ठीक है ना? प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, मुझसे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। कहाँ गई थी तुम? अंकल एक्चुअली क्या है ना वो रोड पे मैं बैग भूल गई थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रात भर कहाँ थे तुम लोग? अंकल एक्चुअली हम लोग होटल का एड्रेस भूल गए तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं, होटल के विजिटिंग कार्ड पर मैंने ही एड्रेस लिख कर दिया था, आपके पॉकेट में होगा, जरा चेक कीजिए। अभी तक ठीक से मुझे भी नहीं निकली और लड़कियों से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। सर आपकी बेटी मिल गई है तो आप लोग जा सकते हैं, किसी ने एसआई को शूट कर दिया है। देख लूंगा तुझे। किसी और के माँ बाप फोन करके बोले तो यही लगता है कि ऐसा बच्चा क्यों पैदा किया, घर में दो डॉग्स की क्या जरूरत है, तू तो रही रहा था एक और लेकर आया, कोई एक ही रहेगा यहाँ। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि हमसे झूठ बोलने लगे, दोबारा उसके साथ देखा तो ठीक नहीं होगा। डैडी, इसकी चुप रहो तुम। साथ रखोगे ऐसी जिद कर रहे थे ना? किया तो था बट ये तुम्हारे पास रहेगा तो ही करेक्ट है, ऐसा डिसाइड कर लिया है। हेलो, मैंने डिसाइड किया है। थैंक्स। उस दिन तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ओए, प्रॉमिस किया है ना तो वो सारी बातें किस लिए? सॉरी, उस दिन डैडी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। हेलो लिसन, भगवान ने दो कान क्यों दिए हैं पता है? बड़े लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए। ओके अच्छा ये बताओ ये क्या है? ओए सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में मीठा, उसके बारे में सुनना ही अच्छा लगता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। हमें भी ऐसे ही लगा था, घर वालों से दूर होकर बाहर आकर अकेले जिएंगे ऐसा सोचा था, पूरी दुनिया को पा लिया ऐसा फील कर रहे थे, लेकिन दुनिया क्या होती है ये अब हमें पता चला। अच्छी सी पढ़ाई करके अच्छी सी जॉब पाना और हम जो कर रहे थे उसमें कोई फर्क नहीं था, मम्मी पापा हमें फिर से इज्जत देंगे
ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। एक कर्जा भरते ही दूसरा कर्जा आ जाता था। पहली बार बहुत डर लगा था जब कर्जा लिया था। अगर उसे समय पर नहीं दे पाए तो जिससे कर्जा लिया उसे खुश करना पड़ेगा। दुनिया में कुछ ऐसे भी बेवकूफ लोग होते हैं जो अपने परिवार के प्यार को समझ नहीं पाते, घर से भागकर शादी करते हैं और अपने इस गलत फैसले की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। गलत फैसले की वजह से मेरी भी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चंदू, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अर्जुन से ही शादी करो। अगर कोई और पसंद है तो बताओ। नहीं मम्मी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, सॉरी मम्मी। जब उसको याद करती हूँ तो मैं हंसूं या रोऊं मुझे समझ ही नहीं आता। हाँ, दूसरी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, पता है। हम बाहर चलकर बातें करते हैं, इन दोनों को बातें करने देते हैं। So, everything is quite cool. पर आपको मुझे एक बात के लिए माफ करना होगा। जब मम्मी ने मेल पे आपका फोटो सेंड किया, मैं एक्साइट हो गया था, some curiosity. मैंने मेरे दोस्त को कॉल करके आपके बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहा, ताकि जब पूरे देश में होली मनाई जा रही हो तब वो आपकी फोटो लेके इंक्वायरी करे। लेकिन उसने छी, पर इस बेवकूफी के लिए आई एम रियली सॉरी। चंदना, तुम्हारे कोई बालू नाम का फ्रेंड है? बालू नाम का तो कोई नहीं है। बालू को नहीं जानती चंदना, मुझे और डैडी को बेस्ट फ्रेंड बनाने वाला, तुम्हारी इतनी सारी तारीफ करने वाला, तुम्हारे इस रिश्ते की बात करने वाला बालू ही तो है। ही सो क्यूट, पता है? बालू। ये तो किसी काम का नहीं रहा। क्यों भाई, डोंट लिफ्ट वाला है क्या? आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हेलो, पहले तू ये बता कि तू उसके पीछे आखिर क्यों पड़ा है? क्या सर, तू जानता भी है मेरे भांजे ने पंजाबी लड़की पटाई है? अरे मेरी बात तो सुनिए। किस परिवार की है पता है? शहर के डॉन। ए भाई, हमें भी इन्फ्लुएंस ही है। कौन है वो? बराक ओबामा है क्या? तू मुझे ठीक से जानता भी है क्या? मेरी एक मंथ की सैलरी के अंदर तेरे जैसे मैं 50 खरीद सकता हूँ, समझा? फोन रख नीचे। माही, यू नो व्हाट, मैं सोच रही थी कि आज के बाद मैं तुझे कभी भी टॉर्चर नहीं करूंगी। हाँ यार, मुझे बैंगलोर में जॉब मिला है। आई विल बी जॉइनिंग इन 10 डेज। अब इन 10 दिनों में मैं तुझे जरा भी परेशान नहीं करना चाहती। इतने सालों से मैंने तुझे ही बकरा बनाया। आई एम रियली सॉरी। हाय। हे किशोर भाई, हाय। 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 हाउ आर यू? हाय नंदू। हाय। हाय। मिस नंदिनी अलगप्पन। हैप्पी ना? हाँ, ऑफ कोर्स। लाइफ में इतनी हैप्पी पहले कभी नहीं थी। गुड। ए किशोर, तू ही है क्या किशोरी? ए
मेरे डैडी का मजाक मत उड़ाना, ओके? ओह सॉरी सॉरी किशोर भाई, इट्स ओके यार। इसका मतलब ये अपने मम्मी पापा को मिस कर रही है, है ना? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रही हो ना, शायद वो लोग तुम्हें तुमसे भी ज्यादा मिस करते होंगे। किशोर भाई, नंदिनी को इसके घर पे ले जाओ, उनसे बात करो, डट के सामना करो। इसके पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स की तरह ही है ना? या गुड। अरे अरे अरे, इस हैदराबाद में बारिश के मौसम में काम करने में बहुत मुश्किल होती है। Get out! पेट से है ना, ऐसे समय बाहर निकलना, कम से कम सुबह तक तो इन्हें यहाँ रहने दीजिए प्लीज डैडी। ए मेरी जानू यामिने, कहाँ है तू? वो रही, अब देख मैं क्या करता हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तक तूने मुझे भाव नहीं दिया ना, अब देख मैं। अबला औरत कोई तबला नहीं होती है। एए, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा? यामिनी क्या कर रही हो? What are you doing? Stop. शांति। हे चंदू का मैसेज, हाय डियर, सॉरी ऑल ऑफ अ सडन अर्जुन की मॉम के साथ शॉपिंग जाना है, आई कुड नॉट मेक इट, सी यू लेटर, टेक केयर। ये चंदू को अचानक क्या हो गया यार, आने के लिए मना कर दिया उसने, फोन कॉल तो करना चाहिए ना। आया बहुत बड़ा विक्रम बेताल। फॉरगेट अबाउट इट। थैंक यू। वैसे इसमें क्या है, कहीं बुद्धू तो नहीं बनाएगी ना, गिफ्ट होना चाहिए। माही, दिस इज फॉर यू, प्लीज तुम इसे कभी मत खोना। हाँ, मुझे अच्छे से याद है बचपन में हम लोग कैसे एक साथ मिलकर प्लान्स बनाते थे, सब कुछ ठीक होगा यही सोचते थे। कोई कॉल करता है, सॉरी यार मैं फिल्म नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, उधर नहीं आ सकता। अरे और उसका रीजन क्या है, फैमिली, पेरेंट्स, माँ मना कर देगी, पापा घर में हैं, गेस्ट आ रहे हैं। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था जैसे इन सब के लिए ये रेस्ट्रिक्शन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी तो फैमिली ही नहीं है। लेकिन कभी कभी हैप्पी फील होता है, लेकिन 3 days कोई बात नहीं भक्ति, सिर्फ 3 दिन। तुम मुझे पहले कभी भाव नहीं देती थी ना, मगर फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरी भी फैमिली होती तो अच्छा होता। यस, ये मत कर, वो मत कर, इधर मत घूम, उधर मत जा, रात को 2-2 बजे तक पढ़ाकर जैसे फैमिली का बनाया हुआ कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शन, उसे सही रास्ते में लाना हो, उसे अच्छा करना हो, यही सब तुम्हारी पोजीशन हुआ करती थी। मुझे लगता था कि तुम मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो जो मेरी फैमिली भी है, मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता। तुम मेरी सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा परिवार, मेरी एक साथी भी हो। प्लीज भक्ति, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना।
मुझे छोड़ के कभी मत जाना। One second. Thank you so much, Scott. भक्ति तुझसे प्यार करती है तुझे नहीं पता, लेकिन स्कॉट को 5 साल पहले से ही पता था। तेरी फैमिली नहीं है, इसलिए तेरी अच्छाई के लिए, तेरे और फरजाना के बीच एक अच्छा रिलेशन बने इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा था। भक्ति, तू उसके साथ रहेगी तो मैं जानता हूँ कि महेश खुश रहेगा। यार मैंने आज जो कुछ किया है इसके बाद वो मुझसे बात नहीं करेगा। मैं जानता हूँ तू भी उसको बहुत पसंद करती है, तो तू उसके बारे में ही सोच और तू देखना एक दिन वो तेरे पास वापस जरूर आएगा। सच में? हाँ, सच में। इधर सिगरेट दे। सब ठीक हो गया, थैंक्स। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे चंदना की याद ना आए ऐसा कुछ कीजिए, वही मेरे लिए काफी है। प्लीज प्लीज भगवान। Dear friend, Yamini. Without whom, I don't think I could achieve so much. Thank you so much, Yamini. Life में मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? Scott को मैं कभी समझ ही नहीं पाया। अब मुझे लगता है कि ये गलती तू भी कर रही है। ये सब डायलॉग्स उसने लिख कर दिए हैं क्या? पापा आप भी ना, ऐसी नौकरी कहीं मिल सकती है क्या? और मैं अपना चांस कैसे गवा सकता हूँ? हाँ जी, बच्चे को विदेश जाने का मौका मिल रहा है। बात वो नहीं है, चाहे कहीं भी हो, कोई भी जगह हो, बेटा अच्छी जगह रहे हर माँ बाप यही चाहते हैं। कोई माँ बाप अपने बेटे का बुरा नहीं चाहता, मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा? हाँ? हे बालू, बालू की फोटो यहाँ क्यों है चंदना? ये बालू नहीं है। नहीं चंदना, मैंने बताया था ना, और अर्जुन ने भी कहा था, इसी के बारे में बात की थी। ये बालू नहीं है, श्री है। अरे यार, ये बालू ही है। हाय दीदी। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। श्री कैसा है? बालू का नाम श्री है। वैशाली मैम कहाँ हैं? फिफ्थ एनिवर्सरी है ना, सेमिनार हॉल में है। आज 5 साल बीत चुके हैं। अगर हासनी और स्वरूप रहते तो एक अच्छी पोजिशन पर रह सकते थे, अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहते। छोटी छोटी गलतियों की वजह से
अपनी ईगो की वजह से, गुस्से की वजह से, अपने भोलेपन की वजह से हमने इन्हें खो दिया। ओके चिल्ड्रन, मुझे आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना है। कौन बताएगा कि ये क्या है? डॉट मैम। पॉइंट मैम। बिंदु मैम। एनीबॉडी फ्रॉम द स्टाफ? फुल स्टॉप। इसका मतलब मेरे हाथ में जो ये सफेद कागज है, उसके अलावा इस स्वच्छ कागज पे जो ये छोटा सा डॉट है, वही सबको नजर आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इज दैट ऑल यू कैन सी? दैट्स द प्रॉब्लम। हम आसपास के लोगों की छोटी छोटी गलतियों को लेंस लगाकर देखते हैं और उनके अंदर की अच्छी बातों को देख नहीं पाते। उनसे रिश्ता तोड़ते वक्त वो एक पल होने वाला झगड़ा जिसमें हम सामने वाले की पूरी तरह से बेइज्जती करते हैं, उस वक्त हम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि सामने वाला हमारा दोस्त है। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, तभी हमारे रिश्ते बदलेंगे और वो कायम रहेंगे। रैना इज अ गुड गर्ल, अच्छे से पढ़ाई करना। मैं भी चलूं तेरे साथ? जी नहीं। कितनी बार कहूं आपसे, मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मैं हॉस्पिटल के कैजुअलिटी से बाहर जा रहा हूं। पॉइंट नंबर टू, आपका दिल बहुत वीक है, आप मुझे टाटा बोलकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ, वहां टाइम के हिसाब से मैं खाना खाऊंगा। आप रोजाना मुझे जो बातें बताती हो वो सब याद करके मैं उन्हें फॉलो करूंगा। ओके, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट बेटा। डोंट वरी पापा, जस्ट वन ईयर में एक अच्छी लड़की देख के आपकी बहू बना कर लाऊंगा। ओके, ठीक है ना? आंटी, आंटी चंदू वो अभी सब कुछ भूलकर शादी के लिए तैयार हुई है। आंटी एक बार मुझे चंदना से नहीं, सॉरी आंटी, मैं यहाँ क्यों आया मुझे पता नहीं है आंटी, बट आई प्रॉमिस आज के बाद मेरी वजह से आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। कैसी हो? How are you? Long time no see. How is Chandana? Oh, great. Okay, bye. Bye. See you. Mr. Sridhar? Yes? I'm sorry. Your father at the airport. He had a heart attack. आपका दिल बहुत वीक है, आप मुझे टाटा बोलकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। बेटा, पापा, बेटा, पापा, बेटा आ गया बेटा, ये सब एक्टिंग है। लू, 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 लू।
तेरे लिए बेटा ये सामान। परेशान हो गया क्या? ये सब क्या है पापा? चंदना तेरा वेट कर रही है, जा मिल ले। मुझे और डैडी को बेस्ट फ्रेंड उसी ने बनाया है। तुम्हारी इतनी सारी तारीफ उसी ने की थी। इस रिश्ते के बारे में भी उसी ने बताया था। सब कुछ बालू ने किया। ही सो क्यूट यार। बालू की फोटो यहाँ क्यों है चंदना? ये बालू नहीं है। नहीं चंदना, मैंने कहा था ना, अर्जुन ने भी बताया था। चंदना, मेरे भाई को दूसरी चंदना भी मिल सकती है, लेकिन तुम्हें दूसरा श्री मिलना इम्पॉसिबल है। हाँ चंदना, आज के बाद श्री के साथ बिताने वाला एक भी पल मिस मत करना। तुमने जो गलती की है उसे कवर करने के लिए न जाने उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया। हम सब ने श्री को गलत समझा था बेटा, बट ही इज नॉट, श्री इज ग्रेट। आउट ऑफ माय लाइफ कहने पर तुम सच में छोड़कर जा रहे हो। आज तक मुझे बहुत से लोगों ने बहुत सी एडवाइस दी, लेकिन मैंने उसे कभी फॉलो नहीं किया। लेकिन मेरी खुशी के लिए हर मुसीबत का सामना करके ये सब तुम कैसे कर पाए श्री? जब तक तुम मेरे साथ में थी तब मुझे तुम्हारी वैल्यू का पता नहीं था, लेकिन मुझसे दूर होने के बाद तुम्हें पसंद आने जैसा मैंने अपने आप को ही बदल दिया। सुहासिनी के मौत के दिन में अपने दिल की बात तुमसे कहने आई थी, पर उस सिचुएशन में ये सब कहना मुझे मुनासिब नहीं लगा। पर अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। I'm very sorry श्री, मुझे माफ कर दो। Don't say। ऐसा वक्त आएगा मुझे पता था चंदू, इसलिए इस पल का मैं इंतजार कर रहा था। इस पल की तरह मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लाइफ में हम जो भी करते हैं वही सही है, हम ऐसा ही सोचते हैं। कुछ लोग अपनी गलती को रियलाइज करते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, अलगप्पन की तरह से। कुछ लोग लेट रियलाइज करते हैं, सुहासिनी और स्वरूप के पेरेंट्स की तरह, जाने अनजाने में फालतू बातों में फंस कर अपना जीना मुश्किल कर देते हैं और जान दे देते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। गलत सोच की वजह से अपनों को भी पराया बनाने वाले लोग भी बहुत हैं, जैसे महेश। लेकिन श्री और चंदना जैसे लोग अपनी गलती को मानकर जिंदगी में नई शुरुआत करते हैं। सही समय पर सही फैसला लेने से जिंदगी खूबसूरत बन जाती है, यही बताने के लिए ये हमारी छोटी सी कोशिश है, हमारी ये फिल्म। मगर हर कोई बदलेगा ये सोचना गलत है। बहुत धूमधाम से शादी हुई, बहुत लोग आए थे।
और चंदना की शादी भले ही धूमधाम से हुई होगी पर संसार नहीं चलेगा। अरे दीदी वो देखो सिगरेट उल्टी है। स्मार्ट तुम स्मार्ट होगी नहीं यही देखने के लिए मैंने सिगरेट उल्टा पकड़ा था। अभी मेरे दिमाग में जो प्लान चल रहा है उससे श्री और चंदना का घर संसार इस तरह जल जाएगा।